शेल थ्योरम ऑलरेडी बताई हुई है आपको, शेल थ्योरम सिर्फ फॉर्मेलिटी है। शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास कोई शेल है, शेल का मतलब एक स्फेयर जो अंदर से खाली है, या आपके पास एक सॉलिड स्फेयर है जो अंदर से मास है और एक पॉइंट मास है, और अगर ये शेल से फोर्स निकालनी है, कितनी अट्रैक्टिव फोर्स लगी, या स्फेयर से निकालनी है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। स्फेयर और पॉइंट मास के लिए तो एप्लीकेबल है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। तो क्या फोर्स होगी? जी एम एम बाई आर का स्क्वायर। चाहे शेल है चाहे सॉलिड स्फेयर है, दोनों में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। और डिस्टेंस स्मॉल आर क्या है? ग्रेटर देन कैपिटल आर। क्लियर है यहां तक? तो शेल थ्योरम यही कह रही है, अगर पॉइंट मास लाइज आउटसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल या स्फेयर, पॉइंट मास बाहर लाई करता है, तो वो ये शेल या स्फेयर उसे अट्रैक्ट करता है, पॉइंट मास ऐसे अट्रैक्ट करता है जैसे शेल नहीं है, ये शेल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? पॉइंट मास ही पड़ा हुआ है। तो पॉइंट मास वाला रिजल्ट एप्लीकेबल है, ये शेल का, शेल थ्योरम का पहला रूल है। तो ये तो सिंपल है। अब शेल थ्योरम का दूसरा रूल ये कहता है कि अगर ये पॉइंट कहां लाई करता है? शेल के अंदर। अभी बाहर तो लगता है, शेल के अंदर या सॉलिड स्फीयर के अंदर लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट मास शेल के अंदर लाई करता है, तो शेल थ्योरम कहती है ये पूरा शेल इस पॉइंट मास पे कोई फोर्स नहीं लगाता, फोर्स जीरो जाएगी। बाहर लगाता है जीएमएम बाय आर स्क्वायर, सरफेस के ऊपर भी लगाता है जीएमएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर नहीं लगाता। इसका प्रूफ प्लस टू से आएगा, आज ही हम करेंगे, इसे लंबी कहानी है। तो इसने थ्योरम बना के छोड़ दिया, इसका प्रूफ नहीं करना, एंड में देखेंगे उसको, मीन्स प्लस टू के अंदर देखेंगे, डिटेल्ड प्रूफ है इसका, आपको समझ में आएगा। पर ये रिजल्ट याद रहेगा, किसी भी शेल के अंदर फोर्स क्या रहेगी पार्टिकल की? जीरो, जहां मर्जी रख दो अंदर जीरो ही आएगी। और शेल थ्योरम अगर सॉलिड स्फीयर में लगानी है, तो सॉलिड स्फीयर का मास क्या है? कैपिटल एम है। आपने मास कहां रखा? यहां पर रखा, इसके अंदर रखा, एट अ डिस्टेंस ऑफ छोटा आर। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बता दिया था कि ये अंदर का शेडेड पोर्शन इस पॉइंट मास को अट्रैक्ट करेगा, पूरी पूरा फेयर नहीं करेगा। अर्थ के अंदर जब चले जाते हैं, याद है, तो यहां तक आए हैं, तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। कितनी? जी इंटू स्मॉल एम इंटू इस शेडेड का मास, जो कि मैंने क्या नाम रखा, एम के पैर में आर, यानी कि मास ऑफ रेडियस आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मास क्या लेना होता है? शेडेड मास लेना होता है, और डिस्टेंस भी क्या लेना होता है? स्मॉल आर। अब एक काम करेंगे, पूरा जो, और जब भी हम अर्थ के अंदर सॉलिड स्फीयर के अंदर काम करते हैं तो डेंसिटी से ही काम करना होता है। क्या बताया था? टोटल मास स्फीयर का क्या है? टोटल वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और अंदर वाले शेडेड का मास क्या है? शेडेड पोर्शन का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। दोनों को डिवाइड करेंगे, रो से रो कैंसिल, तो रेशियो आएगी। यहां से एम ऑफ आर क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल के यहां पुट कर देंगे, तो ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो शेल थ्योरम शेल और स्फीयर के बाहर एज इट इज लगेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। शेल थ्योरम शेल के अंदर फोर्स जीरो देती है, शेल थ्योरम सॉलिड स्फीयर के अंदर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं देती, ये वैल्यू देती है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये चार रिजल्ट्स हैं जो शेल थ्योरम हमें बताती है बिना प्रूफ के। प्रूफ ऑब्वियसली हम कहां करेंगे? प्लस टू से आएंगे। समझ में आ रहे हैं यहां तक?